आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए एक वरदान की तरह सिद्ध होगा। आज के क्रमांक में आपके सबसे बड़े प्रश्न का प्रतिउत्तर छिपा हुआ है। वैसे तो जीवन में भाग्योदय होने के, जीवन के अच्छा समय आने के बहुत से संकेत होते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसे मूलभूत और गूढ़ संकेत जो कि हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं जब हमारा भाग्य उदय होने वाला होता है, यानी जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। तो ये आज का जो क्रमांक है, इन पांच संकेतों को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, क्योंकि हर संकेत आपको ये पूरी तरह से ज्ञात करवाएगा कि सही मायने में अच्छा समय आने से पहले कौन से संकेत हमारे जीवन में जागृत होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहला जो उत्कृष्ट संकेत है, जिसे हमने प्रथम श्रेणी में रखा है, वो क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, जब भी आपके जीवन में बहुत सी विकट समस्याएं चल रही हों, जब आप अपने ईश्वर को बहुत हृदय से याद करते हों, और जब ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने से पहले आपके पास अपनी शक्तियों को भेजते हैं, तो उसमें हमें कुछ संकेत मिलते हैं। तो उसमें प्रथम श्रेणी पर है ये वाला संकेत, जिसमें क्या होता है कि जब आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली होती है, तो सबसे पहले आपका जो लगाव है या ईश्वर जहां से आपके जीवन को बदलना प्रारंभ करते हैं, वो कैसे होता है कि प्रकृति के साथ आपका प्रत्यक्ष संबंध ईश्वर स्थापित करवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है, और ये पंच तत्व इस पूरी धरा में बहुत ही गूढ़ तरीके से विद्यमान है। तो ईश्वर सबसे पहले आपको इन पंच तत्वों के बारे में बहुत ही अच्छी जागरूकता प्रदान करते हैं, जिसमें प्रकृति प्रेम सबसे पहले आपके मन में जागृत होगा। प्रकृति के प्रेम का मतलब यहां पर यह है कि आप इस सृष्टि को बड़ी ही गौर से देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, आजकल जो हम जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में कुछ ही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसमें हम पूरी तरह से रच बस गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिस प्रकृति में हम रहते हैं, हमारा ध्यान कभी उस ओर आकर्षित नहीं होता। हम कभी भी इस प्रकृति को बहुत ध्यान से नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी जीवन की आवश्यकताएं ही इतनी कठिन हो गई हैं कि हमारा किसी और ध्यान नहीं जाता। तो ईश्वर सबसे पहला आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं इस पूरी संपूर्ण प्रकृति की ओर, और इस प्रकृति से आपका एक अंतर मन से जुड़ाव सा जागृत होने लगे, तो ये सबसे पहला संकेत है कि आपके जीवन में अब बहुत ही अद्भुत तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। ऐसा जीवन, ऐसी जीवन शैली आपने कभी मस्तिष्क में तक नहीं सोची होगी, ऐसी चीजें आपके जीवन में सकारात्मक रूप से घटित होंगी। तो इसीलिए अगर ये संकेत आपको मिलने लगे, समझ जाइएगा कि प्रथम श्रेणी का संकेत आपके जीवन में शामिल हो चुका है। आइए बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के विषय में। बहुत से लोगों के साथ एक चीज होती है कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के तो होते हैं, लेकिन उस आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के चलते आप कोई विशेष इष्ट अपना निर्धारित नहीं कर पाते हैं। कहने का आशय यह है कि आपकी जो आस्था है वो पूरी तरह से समर्पित होती है अलग अलग भावनाओं में। तो ये अलग अलग भावनाएं क्या होंगी कि अब एक स्वरूप लेंगी। दूसरा संकेत है कि आपको अपने विशेष ईष्ट की प्राप्ति होती है दूसरी श्रेणी के संकेत में, यानी कि अब तक आपकी जो भावनाएं थी वो ईश्वरीय रूप को, ईश्वरीय चरणों को मानने के लिए बाध्य होती थी, जो कि सही भी है, लेकिन दूसरे संकेत में आपको अपने बहुत ही विशेष ईष्ट की प्राप्ति होती है। जैसे आपका लगाव श्री हनुमान जी के प्रति बहुत बढ़ जाता है, या आपकी आस्था प्रभु श्री राम जी की तरफ बहुत समर्पित होती है, या श्री महादेव की तरफ आपकी आस्थाएं बढ़ने लगती हैं, तो आपको एक विशेष अपने ईष्ट की प्राप्ति होती है जो कि अपनी ओर आपको आकर्षित करते हैं और आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसा आपके साथ यदि होने लगे, पहले आपकी आस्था उतनी प्रगाढ़ नहीं थी, लेकिन अब आपकी आस्था बहुत ही तीव्रता के साथ अपने ईष्ट को प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाएगी। अगर ऐसा होने लगे तो समझ जाइएगा कि ये वो संकेत है जो
ईष्ट आपको स्वयं बुला रहे हैं, वही ईष्ट आपके जीवन का बेड़ा पार करेंगे। और ये शत प्रतिशत मान लीजिएगा कि आपके जीवन का उद्धार तो निश्चित है ही, और आप जीवन के उन आयामों को भी प्राप्त करेंगे जो कि आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। बात कर लेते हैं तीसरे संकेत के विषय में। तीसरा संकेत बड़े ही उत्कृष्ट श्रेणी का संकेत है। ये मुख्यतः तब आपको प्राप्त होता है जब आप जीवन को सही से जानने लग जाते हैं। देखिए, जैसे हम आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें सही मायने में यही लगने लगता है, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, कि हमारा कार्यक्षेत्र, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा धन धान्य, केवल इन चीजों के अलावा कोई भी अलग विचार अभी तक हमारे मस्तिष्क में नहीं होता। लेकिन ये तृतीय श्रेणी का जो संकेत है वो आपको तब प्राप्त होता है जब जीवन के सही सार को आप जानने लग जाते हैं, जीवन के सही मायने को आप पहचानने लग जाते हैं। जीवन अब तक जो आप अर्जित कर रहे थे वो सब कुछ आपको ऐसा लगने लगता है कि अब तक का जीवन मैंने कैसे व्यतीत किया, सही मायने में देखा जाए तो ये तो कोई जीवन ही नहीं है। इस प्रकार के उच्च विचार आपके मस्तिष्क में पनपने लगते हैं। ये बहुत ही उच्च श्रेणी की विचारधारा आप धारण करते हैं। इस समय ईश्वर ऐसी तीव्र ऊर्जा आपके शरीर में आपको प्रेषित करते हैं, अपनी ओर आपको ईश्वर बुलाने का प्रयास करते हैं। ये सब कुछ तब होता है जब आपकी पूरी विचारधारा ही बदल जाती है। आपको यूं लगने लगेगा कि आपको नए जीवन की अब पहचान हुई है, नव जीवन की आपको प्राप्ति हुई है। आपको जिस दिन ये लगने लगे कि अब तक का सारा जीवन जो मैंने व्यतीत किया ये तो यूं ही व्यर्थ चला गया, जबकि जीवन तो यह है, जो आप उस समय जिएंगे जब आपको यह संकेत प्राप्त होगा। बहुत ही उच्च कोटि का यह संकेत मैं कहूंगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो समझ जाइएगा कि जीवन सही दिशा की ओर बढ़ रहा है, सच्चे जीवन की पहचान आपको हो जाएगी, और यह सच्चा जीवन ही आपके जीवन का उद्धार करेगा। आइए बात कर लेते हैं अगले संकेत के विषय में। अगला संकेत है कि जीवन के सारे कष्ट मन में सोचने मात्र से ही विफल हो जाएं, यानी कि सारे कष्टों से आप पार पाने लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, जो उच्च कोटि की जो शक्तियां हैं वो सब आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने लगती हैं। यूं समझ लीजिए कि आपके अंतर्मन के तार प्रभु के हृदय को स्पर्श करने लगते हैं, तो फिर ऐसे में कैसे ईश्वर अपने भक्त को कष्ट दे सकते हैं। तो जो भी कष्ट आपके मन में चलते हैं, जो आपको लगते हैं कि आपके जीवन के कष्ट हैं, और आप मन में एक बार सोच लेते हैं कि हे परमात्मा, हे महाप्रभु, मेरे जीवन के ये कष्ट दूर कर दीजिए, केवल सोचने मात्र से ही निवारण मिलने लग जाता है, तो समझ जाइएगा कि जीवन के उच्च आयाम को आप प्राप्त कर चुके हैं। सद्जीवन क्या होता है, सद्गुरु कौन होते हैं, परमेश्वर का क्या किरदार है आपके जीवन में, ये सब कुछ बड़े प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको अपने आप प्राप्त होने लग जाते हैं। तो जीवन का एक दिव्य आयाम आपको प्राप्त होता है। ये है वो चौथा संकेत जो आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत बना देता है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम संकेत की। सबसे अंतिम संकेत ये होता है, एक अद्भुत अलौकिक आकर्षण आप अपने आप में अनुभव करने लगते हैं, यानी कि आपको देखकर, आपसे बातें करके, आपके विचारों को सुन के ये समाज बहुत ही आकर्षित होता है आपकी तरफ। जहां भी आप जाएंगे आपकी एक ऐसी छटा आप बिखेर देंगे, ये स्वतः ही होगा, आप चाहेंगे नहीं। जहां पर भी आपकी उपस्थिति दर्ज होगी वो पूरा समागम बड़ा दिव्य हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि दिव्यता को आप प्राप्त कर लेते हैं। ये है अंतिम संकेत जो कि आपके जीवन को सार्थक कर देता है। आप हमेशा ये प्रयास कभी नहीं करेंगे, मस्तिष्क में कभी ये लेकर नहीं आएंगे कि किसी को आप कुछ अद्भुत बोलने वाले हैं, लेकिन जो कुछ भी आपके मुख से निकलेगा वो सब कुछ अद्भुत होगा, वो सचमुच बहुत बहुत चमत्कारिक होगा। ये समाज आपसे आकर्षित होगा, जहां भी आप जाएंगे वो लोग आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत आतुर होंगे। सब आपकी छटा को, आपकी छवि को देखकर एक उदाहरण आपको मानने लगेंगे। ये सब कुछ तब होगा जब आप ईश्वर के उस उत्कृष्ट संपर्क में आ जाते हैं। यह है पांचवा संकेत। तो ये पांचों संकेत यदि आपके जीवन में आपको प्राप्त होने लग जाएं, समझ जाइएगा कि जीवन के उस दौर में आप प्रवेश कर रहे हैं जो कि बहुत ही दिव्यता से ओतप्रोत है। आपका संपूर्ण जीवन अपने आप में एक उदाहरण बनकर इस समाज को बहुत बहुत समर्पित हो जाएगा।
तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।